वहीं विकास नगर में पुलिस ने अवैध चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अवैध नशा तस्कर सहसपुर विकास खंड के सेला कोई क्षेत्र हो या विकास नगर क्षेत्र, इसमें पढ़ने वाले स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राओं को अवैध नशा पदार्थ बेचकर मोटी कमाई कर लेते हैं। नशा तस्करी पर रोक लगाने के लिए सीमांत गांव के ग्रामीणों ने पुलिस से कई बार गुहार भी लगाई, जिसके बाद एसपी देहात ग्रामीण कमलेश उपाध्याय के निर्देशन पर कोतवाली पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। आपको बता दें कि कोतवाली पुलिस के एक्शन मोड में आने के बाद परिणाम सामने आने लगे हैं, जिसका खुलासा एसपी देहात ने विकास नगर कोतवाली में प्रेस वार्ता के दौरान किया। एसपी देहात ने बताया कि देर रात कार में 1 किलो 50 ग्राम अवैध चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद चरस की कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। हमारी कोतवाली पुलिस में विकास नगर को, इसमें इंस्पेक्टर विकास नगर के नेतृत्व में ये पुलिस को सफलता मिली है, जिसमें एक अभियुक्त जो ये बेसिकली राकेश नाम है इसका और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, इसके पास से चेकिंग अभियान में हमको 1 किलो 50 ग्राम चरस बरामद हुई है। बेसिकली ये टैक्सी चलाता था और पुलिस को सूचना थी कि इस तरह का यहाँ से जाया जा रहा है, तो हमने इसे अरेस्ट किया है। इसके पास से काफ़ी मात्रा में चरस मिली है।